तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछले वाले वीडियो पे भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिला और कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला कि जायरो पे मैं वीडियो बनाऊं। तो भाई जायरो पे ये वाली पूरी वीडियो होने वाली है। आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पर आप मेरी टिप्स अगर ध्यान से सुनोगे इस वीडियो के अंदर तो भाई बहुत आराम से सीख जाओगे। तो मैं इस वाली वीडियो के थ्रू एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ लर्न फ्रॉम प्रोज के नाम से, जिसमें मैं प्रो प्लेयर्स की टेक्निक को एनालाइज करूँगा और आपको बताऊँगा, उनको डिकोड करने की कोशिश करूँगा, उनकी टेक्निक आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो क्योंकि ये वाली वीडियो भी जायरोस्कोप के ऊपर है, तो मैं इस वाली वीडियो में भी जोनाथन की टेक्निक एनालाइज करने की कोशिश करूँगा और आपको बताऊँगा, और उसके बेसिस पे ही ड्रिल्स बताने की कोशिश भी करूँगा। तो पबजी के अंदर दो तरीके के जायरोस्कोप होते हैं, एक स्कोप ऑन और एक ऑलवेज ऑन। मेरा फोकस ऑलवेज ऑन जायरोस्कोप पर रहने वाला है, और अगर आपको स्कोप ऑन पर सीखना है तो आप स्नैक्स की वीडियो भी जाके देख सकते हो, उसने भी काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझाया है। तो यार ऑलवेज ऑन जायरो सीखने से पहले आपके मन में सवाल आ सकता है कि आपको सीखने की ज़रूरत ही क्या है, आपका काम तो ऐसे ही चल जाता है। तो यार मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा, एक डायनामो का और श्राउड का। मैं दोनों को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बस उनका एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दोनों ही पीसी प्लेयर्स हैं और दोनों काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। अब डायनामो की स्नाइपिंग और श्राउड का एम इतना ज़्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि वो दोनों बहुत टाइम से पीसी पर खेलते आ रहे हैं और उनका हाथ बहुत ज़्यादा अच्छे से सेट है माउस पर। अब अगर आप जायरोस्कोप को बहुत अच्छे से मास्टर कर लेते हो तो आपका फ़ोन भी एक तरीके से माउस बन जाता है, और माउस की एमिंग थंब की एमिंग से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और अगर आपको जायरोस्कोप सीखना ही है अच्छे से, तो आपको उससे पहले अपने मन में ये चीज़ बिठानी होगी कि आपको अपने थंब का यूज़ कम से कम करना है, और जितना ज़्यादा यूटिलाइजेशन आप अपने जायरोस्कोप का कर सकते हो उतना ज़्यादा आपको करने की कोशिश करनी है। जब मैं जायरोस्कोप पे शिफ्ट हुआ था तो मैंने भी बहुत ज़्यादा ही गलती करी थी कि मैं अपने थंब का यूज़ बहुत ज़्यादा करता था। अब इस चीज़ का मतलब समझाने के लिए मैं आपको जोनाथन की एक क्लिप दिखाता हूँ। अब ये क्लिप मैंने उसकी स्ट्रीम से उठाई है, क्वालिटी के लिए आई एम सो सॉरी गाइज। अब यहाँ पे एक गाड़ी आने वाली है और उसका स्प्रे देखना कि वो कैसे करता है। अब जरा ये देखो, अब उसने इस क्लिप में 90 डिग्री से भी ज़्यादा रोटेट किया फ़ोन 3x के साथ में इतनी ज़्यादा स्पीड से। तो यही मास्टरी है जो हमें अचीव करने की कोशिश करनी है। अब ये चीज़ तो उसने स्कोप पे करी थी, तो क्लोज़ रेंज के अंदर वो जायरो को कैसे यूज़ करता है उसके लिए मेरे पास एक और क्लिप है। अब ज़रा ये देखो, तो मेरा कहने का मतलब केवल यह है कि जोनाथन की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस है अपने जायरोस्कोप पे कि वो अपने फ़ोन को एकदम माउस की तरह यूज़ करता है, ये चीज़ आप देख ही चुके होंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना सीधा चलते हैं ड्रिल्स की तरफ। तो आपको आ जाना है सीधा ट्रेनिंग ग्राउंड में और अपने फ़ोन की सेटिंग्स खोलनी है और जायरोस्कोप को कर देना है ऑलवेज ऑन पे। फिर आपको आना है सेंसिटिविटी सेटिंग्स के अंदर और नीचे आ जाना है जायरोस्कोप में, और ये जो थर्ड पर्सन नोस्कोप है और जो फर्स्ट पर्सन नोस्कोप है, इन दोनों को ही आपको कर देना है 300 पे। आपको इनकी सेटिंग्स 290 से 300 के बीच में ही रखनी है। अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप इसको थोड़ा बहुत कम कर सकते हो, मेरी प्रेफरेंस है इन दोनों को 293% पे रखने की। तो ये चीज़ करते ही आपके फ़ोन में आने वाला है बहुत ज़्यादा भूकंप, स्क्रीन बहुत बुरी तरीके से शेक होगी, आपसे कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा। पर चिंता मत करना, जिस तरीके से मैं बताऊंगा बिल्कुल उसी तरीके से ड्रिल्स को प्रैक्टिस करना, सब कुछ हो जाएगा। इस तरीके से आप काफ़ी जल्दी जायरो सीख जाओगे। आपको सबसे पहले ये ड्रिल करनी है, आपको चेयर पे बैठ जाना है बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर में, अपना क्रॉस हेयर इस हेड पे अलाइन करने की कोशिश करनी है। और जब आप ये ड्रिल करने लग जाओ तो आपको धीरे से स्विच करना है दूसरे हेड पे। आप धीरे से लेके जाओ एक डायरेक्शन में, फिर धीरे धीरे आप दूसरे डायरेक्शन में भी कर सकते हो। आपको केवल आदत डालनी है अपने फ़ोन को स्टिल पकड़ने की। अब इसके लिए आप अपने लैप पर एक पिलो भी रख सकते हो, जोनाथन खुद भी अपने लैप पर पिलो रख कर ही गेम्स खेलता है। अब जायरोस्कोप के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपने फ़ोन का कवर निकाल दें जिससे हीट ट्रैप ना हो और आपका फ़ोन भी लाइट वेट हो जाए। और इस दूसरी ड्रिल के लिए आपको यहाँ पे आना है और इस पट्टी पे लेफ्ट टू राइट अपना क्रॉस हेयर को चलाने की प्रैक्टिस करनी है। जब लेफ्ट टू राइट कर लो तो राइट टू लेफ्ट भी आपको करना है। अब इसके बाद आपको पहले वाली ड्रिल ही थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करनी है। अब इस ड्रिल के ऊपर मैं सबसे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ड्रिल करने से आपकी सेंसिटिविटी के साथ में दोस्ती होगी। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि आपको कितना फ़ोन टिल्ट करना है टारगेट्स के ऊपर स्विच करने के लिए। और इन सभी ड्रिल्स की प्रैक्टिस आपको बिना धम का यूज़ किए करनी है, चाहे आप उसके लिए अपने कैमरा सेंसिटिविटी में जाके थर्ड पर्सन नोस्कोप को बिल्कुल 1% कर दो। अब टारगेट स्विचिंग के बाद में आपको टारगेट रेसिंग की प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल इस तरह। आपको थंब का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है और अपने क्रॉस हेयर को बिल्कुल हेड पर रखने की कोशिश करनी है। जब आप ये प्रैक्टिस कर लो तो आपको धीरे धीरे टारगेट्स को स्विच करना है। अब
अब इसका लेवल बढ़ाने के लिए आपको बिल्कुल ऐसे बंदे पकड़ने हैं जो बिल्कुल उधम काटते रहते हैं, आपको ज़रूर ऐसे मिल जाएंगे, चाहे वो नेट करते हैं, इधर से उधर भगते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। अब ये ड्रिल करने का मकसद केवल ये है कि वो वाले जो टारगेट्स हैं वो तो केवल एक डायरेक्शन में जाते हैं, पर ये जो बंदा है वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जाता है। गाइस, आपको जायरो का यूज़ एक एक्सटेंड तक ही करना है, ये मत करना कि आपको 180 डिग्री मुड़ना है तो भी आप अपना पूरा फ़ोन घुमा रहे हो, ऐसा कोई भी नहीं करता है। अगर आपको 60 डिग्री से ज़्यादा मुड़ना है तो आप थंब यूज़ करना। अब इसके बाद आपको एक जगह पर स्टिल खड़े होकर केवल हिप फायर से इन सभी टारगेट्स को गिराने की कोशिश करनी है। हो सकता है आपसे एक बार में सारे टारगेट्स ना भी गिरें, पर आप अपने लिए केवल एक टारगेट सेट करो कि भाई आप एक बार में अगर 3 टारगेट्स गिरा पा रहे हो तो आपको अगली बार 4 गिराने हैं, फिर 5 गिराने हैं। इस तरीके से आपकी प्रोग्रेस बढ़ेगी। फिर इसका भी लेवल बढ़ाने के लिए आप अपनी एक्सटेंडेड मैग निकाल सकते हो, और अगर आप यहाँ तक प्रैक्टिस कर चुके हो और आपसे सारे टारगेट्स नहीं भी गिर रहे हैं तो भी आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। मेरा भी एक ही दिन में ये सब नहीं हो गया था, मैंने भी इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी तब जाके मेरी थोड़ी बहुत ग्रिप बन पाई है इस चीज़ पे। तो ये वाली ड्रिल्स तो केवल एक जगह पर स्टिल खड़े रहकर करने वाली थी, अब आपको धीरे धीरे इसमें मूवमेंट बढ़ानी है। तो अब मूवमेंट के लिए आपको क्या करना है, ये वाला जो टारगेट है इसके हेड पर एम लेने की कोशिश करनी है। आपको क्रॉस हेयर इसके हेड पर रखना है और एक डायरेक्शन में भागते जाओ, बस एक डायरेक्शन में, और पूरा हिप फायर देने की कोशिश करनी है। आप राइट साइड भागे तो उसके बाद आपको लेफ्ट साइड जाना है। एक टारगेट पे प्रैक्टिस करने के बाद आपको एंगल चेंज करना है और अलग अलग टारगेट्स पे सेम ड्रिल करनी है। और ये वाली ड्रिल के लिए भी आपको बिल्कुल भी थंब नहीं लगाना है, किसी भी ड्रिल के लिए आपको थंब का यूज़ नहीं करना है, आपको केवल और केवल जायरो से कंट्रोल करना है सब कुछ। अब ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको अपनी मूवमेंट बढ़ानी है, आपको दोनों साइड जिगल करना है। आप वाइड जिगल दो, स्लो जिगल करो और इसी टारगेट पर अपना एम रखने की कोशिश करो। अब यार इस वीडियो की सारी के सारी ड्रिल्स एक ही दिन में प्रैक्टिस मत करने लग जाना, नहीं तो बिल्कुल पागल ही हो जाओगे। आपको खुद अपना लेवल देखना है, आपसे जितना ज़्यादा कंट्रोल हो रहा है, और धीरे धीरे करके आपको अपना लेवल बढ़ाना है। अब ये करने के बाद आपको धीरे धीरे जिगल करते हुए टारगेट स्विच करने हैं। अब इसके बाद से ड्रिल्स एडवांस होने वाली हैं, जिनको आपको केवल प्रैक्टिस करना है कम से कम एक हफ्ते बाद, उससे पहले बिल्कुल भी प्रैक्टिस मत करना, पहले बेसिक ड्रिल्स को प्रैक्टिस करो। अब पिछले ड्रिल्स को कम से कम एक हफ्ता प्रैक्टिस करने के बाद आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी कि आप जल्दी जल्दी टारगेट्स को स्विच कर पाओ। तो अब इस ड्रिल के बाद आपको आना है इन टारगेट्स के पास में और इनको मूव करते हुए हिप फायर के साथ में गिराना है। अब हिप फायर जब आप करते हो और उसके साथ में मूव करने लगते हो तो बुलेट्स का स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप इस ड्रिल को बिना एक्सटेंडेड मैग निकाले ही प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर भी आप अगर करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। अब इसके बाद आपको अपने जिगल मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है, जिसके लिए आपको इस सर्कल के पास आ जाना है और धीरे धीरे जिगल करके इसको हिट करने की कोशिश करनी है। पहले आप स्टार्ट करो स्लो जिगल से, फिर धीरे धीरे अपनी आप स्पीड बढ़ा सकते हो। अब मैंने कुछ वीडियोस ऐसी भी देखी जिसमें जॉनाथन की जिगल मूवमेंट को एकदम हवा बना रखा था, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बता रहे थे कि उसकी जिगल मूवमेंट करनी है तो अपने थंब पर तेल लगा लो, पाउडर लगा लो। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, जॉनाथन की मूवमेंट इतनी ज़्यादा अच्छी केवल और केवल प्रैक्टिस से है। अब अपनी जिगल मूवमेंट को मास्टर करने के लिए आप इस पत्थर के पास आ सकते हो, और अगर आप देखो तो इस पत्थर की हाइट भी बिल्कुल आपके हेड लेवल जितनी ही है। तो आप अपने जिगल मूवमेंट की प्रैक्टिस हेड लेवल पर अपना एम रख के कर सकते हो, जिसके लिए आपको इस पत्थर के जो लेफ्ट और राइट वाले कॉर्नर्स हैं ये दोनों, इन दोनों के बीच में ही अपना एम रखना है और जितनी ज़्यादा तेज़ मूवमेंट कर सकते हो उतनी ज़्यादा करने की कोशिश करनी है। और आपका हिप फायर ख़त्म होने के बाद आप स्कोपिंग करके देख सकते हो कि आपके कितने ज़्यादा टारगेट्स हिट हुए। अब इसके बाद आपको ये जो डंडा है इसके पास आना है और इस पर एम रख के सारी मूवमेंट देने की कोशिश करनी है, चाहे लेफ्ट और राइट स्लो जिगल दो या फास्ट जिगल दो, आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपका जो बीच वाला डॉट है ये डंडे पर रहे। इसी सेम ड्रिल की बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी करी थी, आप चाहो तो आई बटन पर क्लिक करके वो वाली वीडियो भी देखने जा सकते हो। तो यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।